फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को उंगली से दबा के रखना है। तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें देखिए ये जो है ना कोने में सर्कल के अंदर आई बटन बना है, इसे टैप करना है। तो आपका व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा यहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ना इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करके सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो आपका व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप के सामने मेरे फोन में यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके फोन में यहाँ पे ओपन की जगह अगर अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे अपडेट पे टैप करके व्हाट्सएप को अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।